I'm still in Pehelgam and today we are going out exploring the city. और temperature जो है आज अभी it says -9, feels like -15. That's what the weather report says. But it's comfortable when you wear a lot of clothes. So I'll show you where we are going. It's a beautiful place. But before that, don't forget to subscribe. जा रहे हैं आरू वैली और ऐसा ड्राइवर जी बता रहे हैं कि वहाँ पे कल स्नोफॉल हुई है तो वहाँ नहीं तो वहाँ स्नोफॉल नहीं होगी क्या? हम जा रहे हैं चंदवाड़ी नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं लास्ट में जाएंगे। अच्छा सॉरी माय बैड। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्नोफॉल नहीं हुई है लेकिन हम चंदवाड़ी में जाएंगे जहाँ पर कल स्नोफॉल हुई है। तो वहाँ चंदनवाड़ी में स्नोफॉल हुई है जहाँ स्नो दिखाई देगी और खुशी की बात यह है कि अभी धूप भी निकल आई है। वी रीच्ड आरू वैली और बिकॉज ऑफ द सन द वेदर फील्स अमेजिंग एंड आई थिंक माई जैकेट इज रियली गुड ऑल्सो even Ariza because she's wearing mama's jacket today, she's wearing mama's cap also and she's also wearing a headband which is mama's and the skivi. This skivi is also mama's jo my mother had made it for me when I was in college. Yahan pe thodi bahut horse riding wagera ho sakti hai, weather bahut acha hai, look at the snow capped mountains and it really feels like finally we are in a hill station. The whole vibe is a very hill station-y vibe. Ab yahan pe jo local vendors baithe hain shawls wagera bech rahe hain, कैसे देखा जाए कि जो बेच रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, whether it's worth the price or not. हमने जो हाउस बोट में जो देखा था रियल पश्मीना 100% ही वो सेलिंग फॉर हाउ मच? प्लेन वाज 7-8000. ओके, दिस गाय सेलिंग प्लेन पश्मीना फॉर 2500. दैट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लेकिन कैसे बताया जाए कि कौन सा एक्चुअली प्योर है कौन सा नहीं है? देयर इज नो वे ऑफ नोइंग अनलेस यू जस्ट नो इट. So as unless a tourist, you get lucky actually, because he also said there are no tests to prove correct whether it's a real pashmina or a fake one. Mera logic ye kehta hai ki sasta se sasta khareed lo, because mehenge se mehenga bhi asli hai ki nahi pata nahi. At least sasta hoga to ye to pata hoga, nakli hai to koi baat nahi, sasta tha. Aur mera logic ye hai ki chahe sasta khareedo chahe mehenga, lekin jitne ka khareed rahe ho utne ki worth honi chahiye. Wo agar aap pata kar sakte ho, you know how to do it. ये जो आप बेच रहे हो ये वुलन है कॉटन है क्या है? ये वूल और कॉटन का मिक्स आता है। कितना वूल रहता है इसमें? इसमें 50% वूल रहता है। 50%? अगर सिर्फ वूल का चाहिए वो भी है। और पश्मीना भी आपके पास? वो भी है। दिखाओ। वो उधर है। तो कितने का आएगा ऐसा इस साइज में? वो तो महंगा पड़ेगा। कितना महंगा? स्टार्टिंग 3000 से है। 3000 से स्टार्टिंग है। तो 100% पश्मीना होता है कि मिक्स्ड? जला के देगा। क्या जला के देगा? जला के दोगे तो पहनेंगे कैसे? नहीं नहीं, उसका एक धागा निकालेंगे। अच्छा, जैसे बाल जलता है ना? हाँ। वैसे वो भी जलना चाहिए अगर उसका राज बन गया। ये क्या कुछ तरीका होता है पश्मीना की पहचान का? और सबसे महंगा कितने का है ये? उसके तो फिर स्टार्टिंग 3000 से, वो तो 10,000, 20,000, 25,000 का शॉल भी हमारे पास। लेकिन उसमें फर्क क्या होता है 3000 और 25,000 वाले में? उसमें वर्क का था जो अच्छा, उसमें ज्यादा वर्क का वर्क का फर्क होता है लेकिन है सारा 100% पश्मीना। पश्मीना जला के देगा प्योर। ओ, तो इनका कहना है कि जला के पश्मीना का एक स्ट्रैंड अगर जलाओगे तो बाल की तरह जलेगा, दैट इज द पहचान। आई डोंट नो, कश्मीर आके अगर आप एक वो टूरिस्टी चीज नहीं करते तो आप डेफिनेटली कुछ तो मिस करते हैं और वो है इनकी ट्रेडिशनल आउटफिट में फोटो खिंचवाना। इट्स अ वेरी वेरी टूरिस्टी थिंग टू डू बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज यू विल टेक बैक विद यू। तो अरीजा और अरम दोनों अभी वो करने वाले हैं। मम्मा व्हिच कलर शुड आई टेक? ब्लू, पिंक और येलो? आई विल टेक येलो देन। ठीक है। This was a cute place and we've done whatever we could do here. अब हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी और वहाँ पे हमें दिखेगी स्नो। I'm trying to cross my fingers. Oh my God. Oh, they are so stiff. अभी हम लोग पहले पहुंच गए हैं बेताब वैली। देयर वाज अ चेंज ऑफ प्लान्स इन द कार। ड्राइवर जी सजेस्टेड कि हमें चंदनवाड़ी लास्ट में जाना चाहिए एंड ऑल्सो ही सेइंग कि कल वहां पर स्नोफॉल हुई थी और आज भी स्नोफॉल होने का
अंदेशा है, सो वी माइट जस्ट गेट लकी टुडे, शर्टली कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। यहाँ पर बेताब वैली में बड़े सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, अपेरेंटली 8 पॉइंट्स हैं, और एक घोड़ा पर पर्सन लगता है, 8 पॉइंट्स का लगेगा 3200 पर पर्सन एंड क्लियर अराउंड 1-1.5 आवर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू स्पेंड ओवर देयर। तो हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं है, हम सोच रहे हैं कि 4 पॉइंट्स करते हैं, विच विल बी 50% ऑफ 3200, विच इज हाउ मच 1600 पर पर्सन पर हॉर्स हमको लगेगा। ये बेतावली जो है ना सिस्टर, इसका पहला नाम था हुगन वैली। जब यहाँ पे 1983 में सनी देओल अमृता सिंह ने बेताब चर का शूटिंग किया था, इसका नाम रखा है बेताब वैली। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, नाना जहाँ होंगे नहीं फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। So all of us are here on the horses and we are ready to go। हाँ मेरा बच्चा, उसका घोड़ा पकड़ लो यार, घोड़ा पकड़ लो उसका, उसका घोड़ा प्लीज एक सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं, ठीक है? नहीं तो कोई कहीं नहीं जाएगा, सब वापस जाएंगे, ठीक है? चलो लेट्स गो। यस, फर्स्ट टाइम कश्मीर और फर्स्ट टाइम इतनी ठंड। अरे मजा आ रहा है घोड़े पे, इतने कपड़े पहने हम लोगों ने। वो 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 वो, इसका पैर फंसा नहीं हो उसके अंदर, ठीक है क्या? उस्मान भाई का कहना है कि यहाँ पर जो 8 पॉइंट्स अगर आप बाय वॉकिंग जाओगे, जो कि ये लोग करते हैं हॉर्स के साथ, तो 3 किलोमीटर एक राउंड पड़ता है, और सीजन टाइम पे जून जुलाई टाइम पर इनके एक दिन में 3-3 राउंड भी लग जाते हैं। बाकी मैंने इनसे पूछा कि आप कभी मुंबई गए हो, कहते हैं हमने तो कभी सपने में भी नहीं देखा। मैंने कहा फिल्मों में तो देखा होगा, तो उनका जवाब था कि फिल्मों में देखा है, सपनों में नहीं देखा। I think one thing I can safely say about Kashmir, which I think is one of the best things, is the people here. They are really warm, really, really caring, and very well-mannered, polite. बहुत इज्जत देते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। So we stopped at this point, जहाँ पर ये stream है, और अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई है। Like गर्मी तो नहीं, I think it's because of my jacket. But it's nice here. Arita bahut dari horse ke upar, bahut roi, not because of herself but because of Arham. Every time they would leave his horse, she would just start panicking. Arham ka ghoda pakdo, Arham ka ghoda pakdo. But ye to hota hai yaar, pahadon mein jo upar niche dhalan par chadhai par jab ghoda chadhta hai to thoda sa technique hota hai baithne ka. Are you having fun? Arita is feeling really scared to sit back on the horse. The baby. We're gonna cross over that river now. Horse ride हमारी खत्म हो गई है. Arita was crying so much. And Aram was saying, Abu, I'm having a lot of fun. Now we'll go back to the car and let's see where we can get food. Arita saw snow for the first time today. She's very excited and it's really, really pretty here. But अभी हमको लगी है बहुत ज़्यादा भूख. So first we are going to eat. चलो बेटा, careful, careful. This is what the locals eat here. अंदर पापड़ी है और ऊपर से छोले डाले हुए हैं. It's very nice. It's yummy and hot. I actually was looking forward to some proper खाना, but I'm very happy with this because it's really very tasty. So this is Chandanwadi and it's super cold here and it's also a lot of fun, I swear. And now we have to head back because our driver is calling us there. So Kashmir mein ek cheez ke bare mein bada suna hai, wo hai noon chai, yani ki namkeen chai. Pee nahi hai kabhi, but I've heard a lot about it. So today I'm trying that. Resort pahunchne se pehle hum raste mein ruke hain just to experience this. What do you think? I like it. मैंने एक्चुअली पी हुई है, मेरे गांव आजमगढ़ में ये चीज होती है, नून चाय वहाँ भी पी जाती है, यूपी में। It's a bit soupy में भी आपको नहीं लगेगी, आप लोग को आदत है पीने की, नमकीन ही रहती है। मीठी चाय जो आपकी होती है वो तो एक सेकंड में तैयार होती है। करेक्ट, ये तो 2 घंटे से बॉइल करना पड़ता है, जब तक ये कलर न दे
तब तक तो इसको मजा नहीं आएगा। कलर अच्छा। तो इसका गुलाबी है। बैक इन द रूम नाउ एंड द किड्स आर सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस टू। वाओ, और हम किड्स आर हैविंग फन इन द जकूजी एंड वी आर हैविंग फन ऑन द बेड। इट्स सो नाइस टू कम बैक टू अ सेंट्रली हीटेड रूम एंड फॉर अस टेक्निकली द डे इज नाउ गोइंग टू बी रिलैक्स्ड एट द होटल ओनली। इट्स 5 o'clock इन द इवनिंग। रात भी होने वाली है सो वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डे। वी जस्ट हेड आउट फॉर डिनर नाउ टू द रेस्टोरेंट एंड देन स्लीप अर्ली अगेन। टुमारो मॉर्निंग वी हेड टू गुलमर्ग एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद चबी। दिस इज मी साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू।